हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा स्किड गो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपनी शादी की पूरी स्टोरी बताऊंगी क्या हुआ था आखिर मेरी शादी ऐसा। मुझे सबसे पहले मैं बता दूं, मेरी भाभी ने मुझे तैयार किया था जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं बहुत ही प्रीटी उन्होंने रेडी किया था। मैंने अपना लहंगा लिया था ललित डालमिया से, जो कि बहुत ही बड़े डिजाइनर हैं ललित डालमिया डिजाइनर को हार्टिंग क्लिप से। बहुत ही सुंदर लग रही थी मैं। मेरा लहंगा भी काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे वायरल हो गया था 2019 में। बीगो वीडियो पे मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स थे, तो मैंने उस पर वीडियो बना के डाल दिया था, अपलोड कर दिया था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था। उसके मेरी शादी के बाद 10-15-20 दिन बाद से काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा कि मेरे लहंगे की कॉपी बहुत सारी आने लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो अच्छा है, मैंने कुछ अच्छा ही पसंद किया था इसलिए ज़्यादा वायरल हो रहा है। आखिर मेरी वीडियो शादी के दिन ऐसा क्या हुआ था। मेरी शादी के दिन मैं चाहती थी कि शांति से जयमाला होता है ना, वो उछल कूद ये वो, मुझे वो सब नहीं पसंद था। सिंपल सा जयमाला जो कि मैंने अच्छे से किया, और हबी ने भी काफ़ी अच्छे से जयमाला पहना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम सब ने शादी को बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और जो भी फ़ोटोज़ आए प्रिटी आए, मैं कुछ शादी की फ़ोटो ऐड करना चाहूँगी, कुछ शादी की फ़ोटो उसके बाद की। तो ये जयमाला में कुछ लोग होते हैं खिचिर पिचिर करते हैं कि इधर हो जाओ उधर हो जाओ, कैमरे वाले भैया तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ऐसा कर दो वैसा कर दो, हम अच्छे लग रहे होते हैं लेकिन फिर भी। हेलो गाइस, ये एंट्री की पिक्स है मेरी, लेकिन मैंने एंट्री की पिक्स इसलिए लगाया क्योंकि मेरे पास वीडियो फ़िलहाल नहीं था। और ये शादी वाले दिन जयमाल से पहले हमारी रिंग सेरेमनी भी थी। ये शादी की फ़ोटो है जो बाद में जयमाले के बाद क्लिक करा हमने। एक दो फ़ोटो और क्लिक करवाएं जो कि बहुत अच्छी अच्छी थी। मेरे पास अभी फ़िलहाल वीडियो अवेलेबल नहीं, जब मेरे पास वीडियो आएगा मैं वीडियो भी अपलोड करूँगी। फ़िलहाल आप बताना कि शादी की पिक्स कैसी हैं। ये पिक्स है, मैं अपनी शादी के पहली बार मासी सास के यहाँ गई थी। उन्होंने डिनर पे इनवाइट किया था कि जो कि पहले यहाँ इनके टीका करते हैं इनके पंजाबियों में, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने कुछ सुंदर सुंदर से फ़ोटो क्लिक्स करवाए और इंजॉयमेंट किया और घर आ गया। सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरी शादी की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। ये मेरे फेरे के टाइम पर जो मेरे भैया हाथों में लावा डाल रहे थे, तो ये पूरी स्टोरी थी। थैंक